बीजू ए बीजू कहाँ हो मेरे भाई, गरम गरम नाश्ता खा लो। बीजू सुन रहे हो ना? आ रहा हूँ दीदी। कितना शोर करती है दीदी, कितना हल्ला करती है आप, तो छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ दीदी। अच्छा अब आप बड़े बन गए हो क्या? और देखो तुम कितने भी बड़े हो गए हो तो भी मेरे से छोटे ही रहोगे, समझा? अच्छा अभी तुम्हें मेरी बातें तकलीफ दे रही है, और तुम जो करते हो दिन रात किसी न किसी एक्टर की नकल करते रहते हो। दीदी वैसी बात नहीं है, मैं तो सब कुछ चिढ़ा रहा हूँ, सॉरी ना। अच्छा ठीक है अब नाटक मत करो। अच्छा तुम्हारा वो ऑडिशन दिया था तुमने, उसका क्या हुआ? अरे वही बात तो आपको बतानी थी, मैं सिलेक्शन हो गया वहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या क्या हुआ? उसके लिए मुझे मुंबई जाना होगा। क्यों, किस लिए? दीदी फिल्में गांव में थोड़ी ना बनती हैं। फिर फिल्में मुंबई में बनती हैं, वही रहते हैं फिल्म स्टार्स। नहीं नहीं तुम यहाँ पे रहकर जो करना है करो, पर कोई तकरार नहीं, पर मुंबई नो सॉरी। अब आप मुझे मना करेंगी? आज तक आपने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, माँ बाप भाई बहन सबका प्यार दिया आपने, पढ़ाया लिखाया माँ बाप दोनों का प्यार दिया आपने, क्या नहीं किया? लेकिन आज आप मेरे को इस चीज के लिए मना कर रही हैं, चाहिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे अरे रो मत, और मुझे रुलाओगे क्या? अच्छा कब जाना है? कल। ठीक है चले जाना, लेकिन मस्ती मत कर। थैंक यू दीदी। नमस्ते नमस्ते, बोलो भाई क्या काम है? सर मैं राइटिंग के लिए आया हूँ। राइटिंग के लिए? जी सर। सर मेरे पास एक बढ़िया कहानी है। कहानी है? जी सर। और सर आर्ट फिल्म भी है। आर्ट फिल्म है? जी सर। आर्ट फिल्म देखता कौन है भाई आजकल? हाँ आर्ट फिल्म बनाना बोले तो डूब जा। जी सर आपका क्या बड़ा नाम होगा। अरे कब डूबने के बाद? हाँ अरे क्या करने का, फिल्म कैसी होनी चाहिए? हर मसाला चाहिए यार, धमाल मस्ती गाना, अरे ऐसा लगना चाहिए फिल्म है। अरे ये तुम लेके आए बोले आर्ट फिल्म है? कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए भाई, अगर ऐसी कोई कहानी है तो मुझे बताओ। मेरे पास ऐसी फिल्म है। है जी सर। सुनो फिर कहानी। सुनो तो सब बोलिए आपको कैसी लगी मेरी फिल्म? तो अच्छी है, लेकिन फाइनेंसर है क्या तुम्हारे पास? फाइनेंसर? सर फाइनेंसर? फाइनेंसर अगर मेरे पास होता तो मैं खुद ही फिल्म बना लेता सर। तो फिर भाई कुछ काम नहीं, एक काम करो उस कहानी की ना एक वन लाइन स्टोरी मेरे पास ला कर रखो, देखता हूँ मार्केट में तो कहानी अच्छी है तुम्हारी, देखते ठीक है। थैंक यू सर। ओके बाय। अच्छा बाय। डूबना है क्या मुझे? पागल ये साली फिल्म इंडस्ट्री वाले तो छुट्टियां बन गई। क्या हुआ सर? अरे यार ये व्हाट्सएप क्या क्या जोक है, क्या लिखे वालों में एक चींटी ने हाथी की कोख पी ली। कुछ काम से आया मेरे बोला। मैं क्या बोल रहा था सर, मैं अपने करियर को बढ़ाने के लिए सर कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। क्या बात कर रहे? हाँ सर बस एक मौका। यस सर बस एक मौका दीजिए। क्या करेगा बोल सर? अपनी जो फिल्म आ रही है उसके लोकेशन के बारे में क्या डिसाइड किया है सर?
सोचा नहीं। अगर मेरी मानो तो इस फिल्म का लव सॉन्ग है ना सर, ये मैसूर और ऊटी की ये बड़ी बड़ी पहाड़ियों में सर और गार्डन में करेंगे सर, और जो हीरो का फाइट सीक्वेंस है ना सर वो रेगिस्तान में करेंगे सर, रेगिस्तान में ये हीरो मार रहा है ये हीरो, वो मस्त लगेगा सर। और जो हीरो है ना सर दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों में ये दौड़ दौड़ रहे भाग रहे सर, बस दिल्ली में। हाँ सर दिल्ली में, क्या है ना सर फिल्म में कुछ यूनिक दिखना चाहिए ना सर। और सर मेरी गारंटी अवार्ड लेकर रहूंगा सर फिल्म का, अवार्ड क्या बात कर रहे हैं। हाँ सर लिख के देता हूँ सर अवार्ड गारंटी। नहीं मिला तो सर मैं क्या बोल रहा था वो इवेंट का चेक का अगर कुछ होता तो थोड़ा अच्छा होता सर। अरे यार आ गए तुम अपने अवतार पे, तुम स्ट्रगलर लोग है ना, काम के पहले पैसे मांगने की शुरुआत कर सर है? कुछ तो खर्चा निकलना चाहिए ना सर। अच्छा ठीक है बाबा ये 100 रुपये सर। हाँ तेरे को तो दे रहा हूँ, मैं किसी को पैसे नहीं देता हूँ, फ्री में काम करते हैं मेरे पास लोग। नहीं चाहिए नहीं प्रॉब्लम है, सब मान के रख लेता हूँ। सर मैं क्या बोल रहा हूँ अभी फिल्म का जो अभी पेपर वर्क पे बैठेंगे ना तभी से मुझे 50% तो कर रहे। पहले तेरे को हाथ जोड़ देता, नहीं होगा सर, 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 नहीं होगा। अरे बाबा लो प्रोडक्शन है, पैसे नहीं है, इस तरह से हम बजट बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, हमको मालूम है भाई। सर ठीक है ठीक है, आपका भी नहीं मेरा भी 25%। अरे बोल सकते हैं लेकिन तू एक काम कर, कल प्रोडक्शन मैनेजर से मिल ले और स्क्रिप्ट ले ले, पूरा कास्टिंग कर ले और फिर आगे की बात देख। ठीक है चलो ठीक है सर। लेकिन अवार्ड नहीं मिलेगा सर, गारंटी सर गारंटी, भरोसा रखिए, चांस दे के दीजिए। चल ठीक है चलो सर। चलो क्यों डायरेक्टर होता है मेरे पास अवार्ड नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया था सर। कब बुलाया था सर? मुझे यहाँ से ही कॉल आया था सर। कब आया था तेरे को फोन? सुबह आया था सर। अरे मैंने तो तेरे को कॉल ही नहीं किया। हाँ किसने कॉल किया, कहाँ आ रहा है, तेरे को कुछ पता है? ओके सर मुझे दूसरे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया हुआ सर। तो देखते जाना कहाँ से कौन आ रहा है, कहाँ जाना है। खाली पकड़ मेरी नींद तो खराब कर दी। बोल क्या बोल रहा था? सर मैंने यहाँ पे एक ऑडिशन दिया था तो उसके बारे में कुछ पता चल सकता है सर? कब दिया था ऑडिशन? तो 1 महीने पहले सर। वो तूने कोई लंकर ऑडिशन दिया था ना? हाँ सर हाँ। लेकिन तू यार मेरे को एक बता, कौन से एंगल से तू विलन लगता है? एक नंबर का छतरी दिखते तेरी आवाज क्या, तेरे कपड़े क्या, मिलन कैसा लगने चाहिए है? आवाज अमरीश पुरी तरी की है, तू अपनी थोड़ी सी पतली सी आवाज लेके गोरा विलन बने जाओ सर। मुझे चांस दे दीजिए, मैं विलन का रोल ऐसे निभाऊंगा ऐसे निभाऊंगा, फिल्म इंडस्ट्री में सब विलन की छुट्टी कर दूंगा। देखो पहले यहाँ से छुट्टी कर, जब काम होगा तेरे को मैं बुला लेगा। जा तू मेरे को सोने दे, या मेरे खाली पकड़ नींद बर्बाद मत कर। ओके सर ओके सर। हाँ मैं तो आपको बाय। ओके साला कौन से एंगल से विलन नहीं लग रहा, गली के हर कुत्ते मुझसे डरते, मैं गया तो ऐसे भाग जाते और इसको मैं विलन नहीं लगता। शीट मक्की पूरी दही। हाँ हमारा पूरा शेड्यूल रेडी है। अरे भाई अपने को अगले महीने शूट पे जाना है, कोई प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए। ओके मैं जरा बाद में बात करता हूँ, मेरे पास कोई आया हुआ है। हाँ चलो रखो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कैसे हैं सर आप? बस आप कैसे हो? बस बढ़िया सर, आपने वो बुलाया था सर। अरे आपका नाम
ये तो नहीं। हाँ सर, हाँ सर, आपने वो बुलाया था सर। आपने वो स्क्रिप्ट याद की? हाँ सर, स्क्रिप्ट मैंने लिया था याद। वो अभी ऑडिशन दोगे? ऐसे यहाँ कुछ कैमरा वगैरह कुछ नहीं सर, ऐसे कैसे? अरे कैमरा तो बाद में होता है, ऐसे ही ऑडिशन देना पड़ेगा। ठीक है दे दो। याद है ना आपको, आप तो लगते हो हीरो, ऐसे ही ऑडिशन देना पड़ेगा, फिर और कैमरा करेंगे। ठीक है। अरे हाँ ये अच्छा किया आपने, क्या दिखता है ना। ठीक है रेडी एक्शन। क्या तुम वो दिन भूल गई जिस दिन हम तुमसे मिले थे? सॉरी एक और ले से। अरे क्या ठीक है करो। क्या है सर, हम 5 सालों के बाद मिल रहे हैं और तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे लग रहा है कि हम अनजान है। इतने दिन हो गए तुमसे मिले हुए और आज भी तुम ऐसे मिल रही हो मुझसे जैसे लग रहा है मैं तुमसे क्यों हर्ट कर रही हूँ। मुझे इतना लंबा रिलेशनशिप रहा है हमारा, क्यों कर रही हो तुम? ये कोई खेल नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स चुरी है तुमसे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो तुम चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने अब तक मेरा प्यार देखा और अब तुम मेरी नफरत देखोगी। क्या रही? ठीक है सर। एक कुछ नया बन नहीं, वही वही है, कुछ अलग चाहिए था। अलग ही नहीं कर रहा यार तुम्हारा। सर मैंने तो वही किया सर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने जो स्क्रिप्ट दिया था। ठिकाना नहीं है सर, बस ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर मिल जाए तो। यानी कि आपके पास रूम नहीं है? हाँ सर, मैंने तो लेना पड़ेगा ना आपको। बहुत सारे एजेंटों को ऐसे मैंने बोला हुआ है सर, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है मुझे। ठीक है। आई एम सचिन सर। आप शेयरिंग में रहोगे? हाँ सर जरूर जरूर बिल्कुल सर। मेरे कुछ एक रिलेटिव है और कुछ मेरे पास जो आर्टिस्ट आए हुए हैं उन लोग भी रूम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं सभी लड़कों को बुलाता हूँ। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच। एक बार मौका दीजिए। अरे सर थैंक यू। वैसे तेरे रूम के ना 7 से 8 हज़ार रुपये कोई भाड़ा देगा नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, तूने कितना भाड़ा बोली थी? मैं तो 10,000 बोली थी। तो तूने 10 बोली, मैंने 20 बोल दिए। क्या बात कर रहे हैं? फिर तूने डिपॉजिट कितना बोला था? मैं तो 1,000 बोला था। मैंने 2,00,000 रुपये बोला। क्या आपने 2,00,000 बोला? अरे बाबा 10,000 तू रख लेना, 10,000 मुझे देना, 1,00,000 रुपये तुम रख लेना, 1,00,000 मुझे दे देना। ये ऑफिस का भी तो खर्चा करना पड़ता है ना मुझे। ठीक है, ये बात सिर्फ अपने दोनों में रख लीजिए। हाँ क्या? हाँ ठीक है, बुला रहा हूँ अपना बड़ा वालों में होना चाहिए। अरे वो बच्चे को बोला। यस सर। हाँ उधर वो लोगों को बुला, सबको बुलाने का। हाँ सब लोग आ जाओ। ओके ओके। कितना भाड़ा बोला है? 20,000 सर। डिपॉजिट कितना बोला है? 2,00,000 लाए हो? हाँ सर। हाँ तो वो उसके ओनर है, वो फ्लैट के ओनर। नमस्ते मैडम। हाँ दूसरी बात, एक हर महीने की 1 तारीख को भाड़ा आना चाहिए, मिल जाए। हाँ उसमें कोई लफड़ा नहीं, लोचा नहीं, रूम एकदम क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी बुरा काम होना नहीं चाहिए। हाँ नहीं तो मैं तुरंत निकालने को बोल दूंगा। मैडम कभी भी आती है, ठीक है? ठीक मैडम, और हम जब आएंगे तो हमको चाबी दे देना। क्या? ठीक है
गणपति बाप्पा बोले क्या बात है। चलो तो फिर अभी तुम जाओ, तुमको क्या चाहिए अभी? थैंक यू सर, आपने रूम दिलाया सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चाबी बच्चे स्ट्रगल कर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक लाख रुपए तुम्हारा, 1,00,000 रुपए मेरा, 10,000 हर महीना तुम्हारा, 10,000 मेरा, पक्का। शाम का क्या मिलते हैं? यह फिल्म में ही चक्कर, यह फिल्म में ही चक्कर।